नमस्कार, बियॉन्ड इंडिया लाइव की खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। आप चौंक जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि आपके पीने के पानी में जहर है। हमारे घर में जो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है या अन्य कई जगहों पे जहां पे पानी की सप्लाई के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें लेड का प्रयोग होता है जो पानी को एक जहर के रूप में परिवर्तित कर देता है, और एनजीटी ने सख्त रूप से इसे बंद करने का आदेश दिया था। जल्द ही इसका समय पूरा होने वाला है। आइए हम देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। देश भर के घरों और दूसरी जगहों पर पीने का पानी सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइपों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक की ये पाइप मानव जीवन में जहर घोल रही हैं। दरअसल प्लास्टिक के पाइपों के निर्माण में लेड का प्रयोग किया जाता है ताकि पाइप का अंदर का हिस्सा सफेद चमकता रहे। यही लेड पानी के पीने के जरिए लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। इस मुद्दे को लेकर एक स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग मंच ने पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद एनजीटी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आदेश दिया कि प्लास्टिक के पाइपों में लेड का इस्तेमाल फौरन बंद होना चाहिए। पीवीसी पाइप के उत्पादन में जी लेड का प्रयोग होता है हीट स्टेबलाइजर के तौर पर जी, और यह लेड जो है पानी के प्रवाह के साथ जी पानी में घुल कर जी जी हमारे मतलब शरीर में जाता है जी, बिल्कुल, जिससे कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों, बूढ़ों और खासकर गर्भवती महिलाओं पर भी यह काफ़ी असर करता है। जिस मतलब लेड तो एक स्लो पॉइजन है एंड जिसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं जी। बच्चों में जो है याद करने की क्षमता कम हो जाती है जी, ऐसे कई सारे मतलब किडनी का प्रॉब्लम होता है। ये सारी बातें हैं, इन मुद्दों को लेकर हम जन मतलब जागरूक कर रहे हैं लोग। या हमने पहले तो ये मुद्दा उठाया था, हमें मतलब 2015 में हमने यह मुद्दा एनजीटी से उठाया था जी। वहाँ पर हमने एक केस फाइल किया था जी, जिस पर एनजीटी ने काफ़ी गंभीरता के साथ सुनवाई की और उसके हर पहलू को देखकर उन्होंने आदेश यह दिया कि लेड का जो इस्तेमाल है, लेड की क्वालिटी या उसकी मात्रा पर मतलब कोई रोकथाम किया जाए, नियंत्रण किया जाए, कोई कानून बनाया जाए और लेड से बने पीवीसी लेड के इस्तेमाल को एज हीट स्टेबलाइजर पूरा रोकने के लिए भी मतलब एक फेज आउट प्लान बनाने के लिए बोला है। देश में बड़े पैमाने पर घरों, दफ्तरों और दूसरी इमारतों में पानी की आपूर्ति के लिए प्लास्टिक के पाइपों का प्रयोग आम बात है। दरअसल प्लास्टिक का पाइप बनाने वाली कंपनियों को लेड बहुत सस्ता पड़ता है, लिहाजा वे इसके दूसरे विकल्प का इस्तेमाल नहीं करती। एनजीटी ने इस मुद्दे पर बेहद गंभीरता जताते हुए सरकार से कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो इसके लिए नए मानक तय करे और लेड का इस्तेमाल बंद करने के लिए सरकार कारगर कदम उठाए। ऐसा है कि जन सहयोग मंच ने जी एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास एक केस फाइल किया जी कि पीवीसी पाइप में जो लेड यूज हो रहा है एज ए हीट स्टेबलाइजर, उस पे उसको कैसे बैन किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए जी। इसके लिए जन सहयोग मंच एक एनजीओ है जिसने काम किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस फाइल किया। फाइल करने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार की जवाब और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जवाब आने के बाद ये डिसीजन दिया कि सरकार ये स्टैंडर्ड फिक्स करे कि कितना लीचिंग तक परमिटेड है जी, इसको हम कंप्लीट बैन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर एक कम्प्रिहेंसिव लेआउट प्लान विद इन 4 मंथ्स इसको करें। 4 महीने के बीतने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जी। उसके बाद हम लोगों ने एनजीओ के कहने पे एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया जिस पे भी स्ट्रिक्टली एनजीटी ने ये ऑर्डर किया कि आप 6 सप्ताह के अंदर इस पे फाइनल डिसीजन दीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लीचिंग हो रहा है जी, वो ह्यूमन कंजम्पशन में आ रहा है जी, एग्रीकल्चर में जा रहा है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के जो पीवीसी पाइप यूज हो रहा है वहाँ भी लीचिंग हो रही है, और सॉइल में जा रहा है, वो डिफरेंट मोड से वो जो लेड है वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में इंटर कर रहा है। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि लेड 2000-3000 साल तक सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो ख़त्म नहीं, डिकम्पोज नहीं होता है जी। तो ऐसे में इसको कंप्लीट बैन करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है। प्लास्टिक के पाइपों में लेड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर असर डालता है। बच्चों की याददाश्त
कम हो रही है और उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है। साथ ही बुजुर्गों की किडनी पर लेड युक्त पानी सबसे ज्यादा असर डालता है। कई देशों में पीवीसी पाइप के लेड के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है, लेकिन भारत जैसे देशों में अभी भी इसका प्रयोग हो रहा है। हालांकि न्यायालय ने इसके प्रति खास तौर पर अपने जजमेंट दे चुके हैं। अब देखना है कि सरकार कब इस पर कार्रवाई करती है। दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक के पाइपों में स्टेबलाइजर के तौर पर लेड का इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है, मगर भारत में प्लास्टिक कंपनियां सस्ते विकल्प के चलते जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पीवीसी पाइप जो हिंदुस्तान में बन रहे हैं जी, उनमें सब में उन पीवीसी पाइप को बनाने के लिए एक तरह का स्टेबलाइजर इस्तेमाल किया जाता है जी। जो सामान्यतः जो है ज़्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेड, उसमें एक हैवी मेटल होता है जी। कैलिफोर्निया में और अमेरिका की बाकी स्टडीज से यह पता चला कि जो ये लेड है ये पीवीसी के पाइप से लीच होके उसमें से निकल के जो पानी के लिए जनरली यूज़ होता है वो उसमें घुलता जाता है जी। लेड अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, इसके बारे में आप लोग शायद पहले भी जानते होंगे, क्योंकि ये जो है एक नॉन जो है कैंसर उत्पन्न करने वाला हैवी मेटल है। और इसके साथ दूसरी दिक्कत ये है कि ये जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये बॉडी से निकलता नहीं है जी। ये धीरे 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 उसमें एकुमुलेट होता रहता है, लिहाजा जब पानी के साथ ही रोज जाना है इसलिए ये और गंभीर बात हो जाती है। जो पीवीसी पाइप अमेरिका में बनते हैं और यूरोपियन यूनियन में बनते हैं उन सब में उन्होंने ऑलरेडी तय किया हुआ है कि इसमें लेड नहीं हो सकता, इसके वैकल्पिक और भी जो स्टेबलाइजर हैं वो उपलब्ध हैं, और वो ऐसे वैकल्पिक स्टेबलाइजर हैं जिनकी कॉस्ट भी जो है इससे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। दिक्कत सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में ना तो इसके लिए कोई मानक बनाया ना ही इसके बारे में कोई अवेयरनेस जनरेट करी। इसी बारे में जनसहयोग मंच ने एक अपनी याचिका जो है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में डाली थी। ट्राइब्यूनल ने सबकी बात सुनने के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो होता है उसकी भी बात सुनी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात भी सुनी, और अल्टीमेटली तय किया, ऑर्डर उन्होंने दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इसके मानक जो है तय करे। उसके लिए उन्होंने उसको जो है 3 महीने का समय दिया था। उस 3 महीने में उन्होंने इस बारे में जब कुछ नहीं किया तो इस बारे में जनसहयोग मंच ने जो है दोबारा ट्राइब्यूनल के पास गुहार लगाई थी। तो ट्राइब्यूनल ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए दोबारा आदेश पारित किया है कि हर हाल में जो है 6 हफ्ते के अंदर जो है इसके मानक तय किए जाएं और उसके बारे में ट्राइब्यूनल को सूचित किया जाए। उम्मीद की जाती है कि मिनिस्ट्री ऐसा करेगी, और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह पीवीसी के पाइप जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह इस्तेमाल होते हैं, गाँव देहात से लेकर शहर तक में प्लम्बिंग में हर जगह पीवीसी का पाइप इस्तेमाल होता है, बल्कि आज के दिन में तो गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप के बजाय लगभग हर जगह पीवीसी का ही पाइप इस्तेमाल होता है। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार इस बारे में शीघ्र कार्रवाई करेगी। अगली बार जब आप अपने घर और दूसरी जगह पानी की फिटिंग कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक के पाइपों का इस्तेमाल न हो। NGT के आदेश के बाद सरकार ने अभी तक इस बारे में दिशा निर्देश तय नहीं किए हैं। पर्यावरणविद और चिकित्सक इस मुद्दे पर लगातार चिंता जता रहे हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ मानवेंद्र, दिल्ली।